वर्ग सप्तम संस्कृत एकादशा पाठ श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव या पाठ का नाम हुआ। वैसे यह प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम उस पाठ का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात इस प्रश्न को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पूरा मथुरायाम एका नृप अभवत। पहले मथुरा में एक राजा था, स अतीव दुष्ट आसीत, वह बड़ा ही दुष्ट था। तस नाम कंस आसीत, और उसका नाम कंस था। तस एका भगिनी देवकी आसीत, उसकी एक बहन देवकी थी। वासुदेवेन सह देवक्यः विवाह अभवत, वासुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ। देवक्या विदा काले, देवकी के विदा के समय में आकाशवाणी अभवत, आकाशवाणी हुआ। क्या हुआ कि देवक्या पुत्र कंसस्य घातकः भविष्यति, देवकी का पुत्र ही कंस का घातक होगा। यद तदा कंस, तब कंस जो है देवकीं वासुदेवम, देवकी वासुदेवम च, यानी देवकी और वासुदेव को कारागारे अक्षिपत, कारागार में रख दिया। तत्र कारागारे एव श्री कृष्ण उत्पन्न अभवत, वही कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तदा भाद्रपद मासस्य श्री कृष्ण पक्षस्य अष्टमी तिथि आसीत, तब भादो के महीना का कृष्ण पक्ष के आठवीं तिथि थी। अद्यो अयम उत्सव, इसलिए इस उत्सव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी इति अभिधानेन प्रसिद्ध अभवत, इसलिए इस उत्सव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी इति जानकर प्रसिद्ध हुआ। यदा श्री कृष्ण उत्पन्न अभवत, जब श्री कृष्ण का उत्पन्न हुआ, तदा एव वसुदेवा शिशुम, तब ही वसुदेव अपने शिशु को श्री कृष्णम कंदकेन निधाय, वह श्री कृष्ण को कंदकेन निधाय एक टोकरी में रखकर यमुनाया नद्या पारे, यमुना नदी के पार गोकुलम अनयत, गोकुल ले गए। तत्र सह स्वमित्राय नंदाय श्री कृष्णम समर्पयत, वहाँ वह अपने मित्र नंद को श्री कृष्ण समर्पित कर दिए। तथा स नंदस्य पुत्रीं च गृहीत्वा, और वह नंद की पुत्री को लेकर ग्रहण कर मथुरायां प्रत्यागच्छत, मथुरा लौट आए। नंदा यशोदा च श्री कृष्णम अपालयताम, नंद और यशोदा श्री कृष्ण के पालन किए। महाभारत युद्धे श्री कृष्ण अर्जुन से सारथी अभवत। महाभारत के युद्ध काल में, युद्ध में श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी थे। यदा अर्जुन स्वबंधुन दृष्ट्वा युद्धात् खिन्ना अभवत्, जब अर्जुन अपने बंधुओं को देख करके युद्ध से खिन्न हुए, तदा श्री कृष्ण अर्जुनाय गीताया उपदेशम अयच्छत, तब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिए। यथा नरः जीर्णानि वस्त्राणि त्यक्त्वा नवानि वस्त्राणि धारयति, जिस प्रकार से लोग पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, तथा एव आत्मा, उसी तरह आत्मा भी है। जीर्णानि सर्गाणि विहाय, पुराने शरीर को छोड़कर नवीनानि सर्गाणि धारयति, नए शरीर को धारण करता है। आत्मा अजर अमर च अस्ति, आत्मा अजर और अमर है। श्री कृष्ण एव कंसम अमारयत, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अबाला वृद्धा नरा नारद च श्री कृष्णम साधरम स्मरन्ति, और बच्चे बूढ़े नर नारी सभी श्री कृष्ण को सादर स्मरण करते हैं। प्रतिवर्ष मैंने प्रत्येक वर्ष अस्मिन् दिने बहवः जना, इस दिन बहुत सारे लोग व्रतम आचरन्ति च पूजयन्ति च, व्रत का आचरण करते हैं और पूजा करते हैं। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। उसके बाद ये कुछ एक पदेन प्रश्नोत्तरम है, आप उस पर ध्यान केंद्रित करें। पहला सवाल है कि मथुराया नृपस्य नाम किम आसीत,
मथुरा के राजा का नाम क्या था? उत्तर है कंसह। ख में है देवत्या विवाह केन सह अभवत, देवकी का विवाह किसके साथ हुआ? तो वासुदेवेन यानी वासुदेव के साथ। ग में है श्री कृष्ण पुत्र उत्पन्न अभवत, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागारे यानी कारागार में। घ है वासुदेव कस्मै श्री कृष्ण समर्पयत, वासुदेव कृष्ण को किसको समर्पित किया? उत्तर है नंदा यानी नंद के। ये श्री कृष्ण कम अमार्य श्री कृष्ण किसको मारा? उत्तर है कंसम। इस प्रकार से आप इनके इन सभी प्रश्न उत्तरों को आप अपने विशुद्ध उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे, उसे याद करेंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद।